सच के साथ। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वामी श्री धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज का आविर्भाव महोत्सव श्री विद्या तत्वानुसंधान आश्रम हरिद्वार दिल्ली एवं श्री करपात्री स्वामी जी आविर्भाव महोत्सव समिति काशी द्वारा मनाया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वामी श्री धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज का आविर्भाव महोत्सव श्री विद्या तत्वानुसंधान आश्रम हरिद्वार दिल्ली एवं श्री करपात्री स्वामी जी आविर्भाव महोत्सव समिति काशी द्वारा मनाया गया। रविंद्रपुरी कॉलोनी के लेन नंबर 3 में आयोजित करपात्री जी के 114वें आविर्भाव महोत्सव के उपलक्ष्य में धर्म शास्त्रान उपयोगिता विषयक संगोष्ठी का सफल आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर युगल किशोर मिश्र ने किया। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज पीठाधीश्वर करपात्री धाम केदार घाट रहे। प्रोफेसर राम किशोर त्रिपाठी, प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा, प्रोफेसर भगत शरण शुक्ल, प्रोफेसर किशोर मिश्र आदि लोग अपने विचार रखे। इस आयोजन में प्रोफेसर किशोर मिश्र, डॉक्टर विद्याधर पांडे, पंडित राजकृष्ण मालवीय, डॉक्टर दिव्य चैतन्य ब्रह्मचारी आदि का सहयोग रहा। आज का जो कार्यक्रम है प्राय चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का 114वां मनाया जा रहा है। इसके अंदर में प्राय महाराज जी के इस वर्तमान समय में उनके सिद्धांत, उनके शास्त्रों प्रमाणित जो ज्ञान था वो जन जन तक पहुँचे और प्राय मानव जाति को यथार्थ अपने स्वरूप का भान हो, इसी के रूप में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। प्राय सभी काशी के उद्गत विद्वान लोग यहाँ पे उपस्थित है। प्राय सभी शास्त्रों से विषय को बिल्कुल सरल भाषा में इसको परिभाषित करके बोला जा रहा है। तो इसके अंदर में प्राय मानव जाति को सरलता के साथ ग्रहण करने का प्राय अवसर मिलता है और भी मानव जाति के अंदर ज्ञान वैराग्य भक्ति का भी प्रादुर्भाव धारणा धारण की जाती है। तो प्राय यह महोत्सव महाराज जी का इसीलिए काशी में मनाया जाता है। महाराज जी काशी में ही रहते थे, महाराज जी श्री की काशी कर्म भूमि है। तो विद्या से महाराज जी का बहुत बड़ा लगाव था। प्राय विद्वानों के बीच में महाराज जी रहते थे, विद्वानों का सम्मान करते थे, वेदों का पूर्ण रूप से सम्मान करते थे। वेदों के प्रति एक भी कोई अशब्द बोलता तो महाराज जी को असन्नी हो जाता था। उनको महाराज जी श्री सहन नहीं करते थे और उसका पूर्ण रूप से शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ जवाब देते थे। और प्राय महाराज जी भक्ति ज्ञान वैराग्य और साधना के साक्षात अवतार थे। महाराज जी में जो क्षमताएँ थी वो सामान्य मानव में नहीं हो सकती। प्राय ऐसा है, महाराज जी जैसे विद्वान त्यागी और ज्ञानी प्राय कई शताब्दियों के बाद में अवतीर्ण होते हैं। तो हमारा यह सौभाग्य है कि महाराज जी के सानिध्य में हमको भी रहने का अवसर प्राप्त हुआ। सच के साथ।